जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने चुनाव आयोग को लालू यादव के द्वारा हस्ताक्षर किए गए उम्मीदवारों पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। आतिश दीपंकर की रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग निर्वाचन सदन नई दिल्ली को जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पत्र लिखकर कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के मामले में रांची के हुटवार जेल में बंद है और स्वास्थ्य कारणों से रिम्स रांची के पेन वार्ड में इलाजरत हैं। जेल मैनुअल में स्पष्ट है कि इन्हें केवल परिजनों से ही मिलना है। लालू यादव से सप्ताह में एक दिन शनिवार को मिलने के लिए अदालत से आदेश लेना पड़ता है। पत्र में आगे नीरज ने कहा कि लालू एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा चुनाव में अपने हस्ताक्षर से ही टिकट भी बांटे हैं। क्या टिकट बांटने में उन्होंने हस्ताक्षर करने के लिए अदालत से आदेश लिया है? जदयू प्रवक्ता नीरज ने मांग किया कि अगर लालू यादव ने अदालत से आदेश नहीं लिया है तो उनके द्वारा बांटे गए टिकट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नामांकन को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि अगर इन मामलों में नियमों की अवहेलना की गई है तो यथोचित कार्यवाही कृपया किया जाए। जेल मयूर के मुताबिक मुलाकात के दौरान राजनीतिक बातें नहीं करनी है, परंतु केवल राजनीतिक हस्तियों से मिलना स्पष्ट करता है कि राजनीतिक उद्देश्य से ही ऐसे लोगों से मुलाकात किया गया है। लालू प्रसाद एक सजायाफ्ता कैदी हैं, जो बाद के विभिन्न धाराओं में दोषी पाए गए हैं। वे क्रिमिनल केस में दोष सिद्ध अपराधी हैं, न कि किसी जनवरी आंदोलन के नेता हैं। लालू प्रसाद लगातार सोशल मीडिया पर भी अपने विचार उद्धृत करते हैं, जिससे चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। अगर इनका ट्विटर हैंडल कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा है तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि लालू प्रसाद अपने विचार जेल से किसे बता रहे हैं। चुनाव प्रभावित करने वाले सोशल साइटों पर दिए गए लालू प्रसाद के बयान गंभीर हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता बनाए रखने के लिए कारगर कार्यवाही की जाए। इस पत्र की प्रतिलिपि मुख्य चुनाव पदाधिकारी बिहार पटना को भी दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हमने पत्र लिखा है। माननीय लालू प्रसाद जी पर तो यह आरोप लगातार लगता है कि वो सोशल साइट का इस्तेमाल करते हैं न्यायिक अभिरक्षा में जो भ्रष्टाचार के मामले में है। वह कोर्ट से अनुमति लेकर के लोगों से मिलने की बात है। शनिवार का दिन लालू प्रसाद जी यह बताइए कि क्या न्यायालय से आपने सक्षम आदेश लिया कि आपके जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, उस उम्मीदवार के लिए जो आपने अध्यक्ष के हैसियत से जो हस्ताक्षर किए हैं, क्या इसके लिए आपने अनुमति कोर्ट से लिया है? अगर नहीं लिया है तो चुनाव आयोग इसको गंभीरता से संज्ञान में ले।